So guys, a big salute to this guy. He's carrying a Indian flag all the way from Amarnath. So hey guys, ये टी-शर्ट आप देख लो, सिक्किम की टी-शर्ट राइड हो गई है कंप्लीट। यार ये टी-शर्ट पहनने का तो मौका मिला नहीं, क्योंकि वाइट टी-शर्ट है ना, ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सोचा कि नहीं चलो बचा के रखें। एनीवेज़ इस राइड के लिए, सिक्किम राइड के लिए वीडियोस में अच्छा रिस्पांस मिला आपका, उसके लिए अ वेरी बिग थैंक्स टू एवरीवन। तो भाई साहब अब आगे क्या था, चाय पी ले थोड़ा। तो आगे का सीन ऐसा था कि राइड हो चुकी थी हमारी कंप्लीट सिक्किम की, एंड आई रिटर्न बैक टू रांची। फिर वहाँ से हमने एक दो राइड और की नेतरहाट की, और जैसे कि अगर हमें दो दिनों के बाद निकलना है तो सीन ऐसा हो गया कि यार इतना दूर घूमे फिरे, कहीं कुछ छोटा सा भी इंसिडेंस नहीं हुआ हो जहाँ पे लगा हो कि इट वॉज अ नैरो एस्केप, इट वॉज अ राइड ऑफ 3500 प्लस किलोमीटर्स टिल नाउ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा सीन कि मैं गिर गया बाथरूम में और लग गई चोट हाथ में, जिसके कारण रिटर्न की जो जर्नी थी वो उस समय पूरी हो नहीं सकी। और मेरे साथ गया था अनुराग एंड ही केम बैक, और वो आ गया वापस, और उसके बाद फिर सोचा यार अब बाइक कैसे आएगी, सोचा कि यार एक बार पूछ लिया जाए किसी से अगर कोई आने के लिए रेडी हो तो। देन आई आस्क माई ब्रदर हु इज इन रांची, सोचा कि चलो सवेरे सवेरे का टाइम है, निकलेंगे 4 बजे 5 बजे और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे। वी वर टारगेटिंग कि 2 से 3 दिनों में कर लेना है ये पूरा जर्नी कम्प्लीट। लेकिन झारखंड का जो टेम्परेचर था सुबह सुबह, कुछ तो हमारा आलस और कुछ टेम्परेचर, हिम्मत ही नहीं हुई कि यार सुबह उठ करके निकल सके, और निकलने में हो गया लेट, बज गया 9:30 के आसपास। पहले दिन की जो जर्नी थी उतनी लंबी हो नहीं सकी। अब ज़्यादा बोल वचन देने से फ़ायदा नहीं, आप खुद जा कर के देखो वीडियो में कि कैसी रही थी जर्नी। सो ऑलराइट गाइस, रिटर्न जर्नी हो गई है शुरू, और रास्ता वही है जमशेदपुर होते हुए बारागोड़ा होते हुए उड़ीसा, फिर आंध्रा, और उसके बाद कर्नाटका। और रिटर्न की जर्नी के लिए है साथ में बिट्टू व्यास, जिनको आपने सिक्किम वाले व्लॉग में देखा, क्योंकि अनुराग चला गया है बैंगलोर। तो चलिए रिटर्न जर्नी शुरू करते हैं, एंड सबसे पहले थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन सिक्किम वाले व्लॉग के लिए। So, all right then. चलो ठीक है। तो यार बताऊं तो ठंड ने हालत खराब करके रख दी है यार, कल से खतरनाक वाली ठंड पड़ रही है यहाँ पे। प्लान था कि सुबह सुबह निकलेंगे, लेकिन यार ठंड 6 डिग्री सेल्सियस, तो हिम्मत ही नहीं हुई सुबह उठ करके जाने की। तो राइट नाउ द टाइम इज 9:30। प्लान तो था कि बहरामपुर तक आज कवर कर लिया जाए, पर चांसेस थोड़े ब्लीक लग रहे हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि कम से कम भुवनेश्वर तो हो जाए आज। तो गाइज हम सब बढ़ रहे हैं जमशेदपुर की ओर, और ये है आपका रांची टाटा हाईवे, जिसे रांची जमशेदपुर हाईवे या टाटा पटना रोड या NH33 बहुत से नामों से जाना जाता है। और इस रास्ते पे हो रही है कंस्ट्रक्शन, तो बहुत सारा डाइवर्शन हमने क्रॉस कर लिया, आगे भी बहुत सारा डाइवर्शन है। तो हम सब पहुंच रहे हैं देवड़ी, जो कि बहुत ही फेमस एक शक्तिपीठ है, और फेमस इसीलिए भी है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हमारे MS धोनी हमेशा यहाँ आया करते हैं पूजा करने के लिए। तो ये जो राइट हैंड साइड में है, ये है देवड़ी मंदिर। अभी हम सब रुके हैं यहाँ पे वही ढाबा जहाँ आते वक्त रुके थे रांची पहुँचने से पहले, और रांची छोड़ने के बाद भी यहाँ पे आ करके हम सब अभी खाना वाना खा करके निकलने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये गाड़ी यहाँ लगी हुई है हमारी। इस बार अनुराग नहीं है, इस बार जा रहे हैं साथ में बिट्टू है,
घर तैयारी कर रहे हैं। ये रहा आपका हाईवे, वैसा कुछ खास है नहीं, बस सेम ओल्ड हाईवे जिसके जरिए हम सब यहाँ आए थे और वही हाईवे पकड़ करके अब जाना है वापस। तो ये व्लॉग ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको पूरी जर्नी देखनी है कि हम यहाँ कैसे आए थे, उन वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या इधर कहीं आई बटन पर डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो होगा बहुत ही रॉ और प्रिसाइज। खाना वाना खा करके निकलते हुए यहाँ से, हम सब एंटर कर चुके हैं ओडिशा और अब हमें जाना है बालासोर, जो कि यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता कंटिन्यू होगा 30 किलोमीटर तक, उसके बाद शायद NH-16 जो कि कोलकाता कन्याकुमारी हाईवे है। हमारी रिटर्न की जर्नी चालू है, ऑन है। कल हमने ये जर्नी शुरू की रांची से और हमने ट्रैवल किया अराउंड 380 किलोमीटर। अभी हम हैं भद्रक में, भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारा होटल रूम, कल शाम पहुंचे यहाँ हम सब, क्योंकि निकलने में हो गई थी हमें बहुत देर, क्योंकि भाई साहब झारखंड का जो टेम्परेचर है अभी बिल्कुल कुल्लू मनाली शिमला बना रखा है, मतलब 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा हाल हो रखा है। तो सुबह उठने में हो गई देर और निकलने में हो गया देर, तो 9:30 बजे के आसपास हमने अपनी जर्नी को की थी शुरू। तो इस कारण बस थोड़ा लेट सवेर हो गया और हम बस 380 किलोमीटर करने सके और साथ में राइड कर रहे हैं इस बार बिट्टू भैया। तो बिट्टू भैया कैसा रहा कल का सफर बताइए। बहुत ही अच्छा रहा कल का सफर, अभी चला रहे पहली बार, यामा का इंजन तो बहुत ही स्मूथ है और बहुत मजा आ रहा है एफजी चलाने में। तो आज जो टारगेट हमने रखा है विजयवाड़ा तक का, क्या लगता है आपको आज होने पाएगा? कोशिश तो रहेगी, 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर मायने रखता है, तो देखते हैं कि हो पाता है या नहीं, कोशिश तो रहेगी पूरी। तो ये रहा सारा सामान, अभी जाते इसे नीचे जा करके बाइक में करते हैं माउंट और फिर से आज की जर्नी हो जाएगी शुरू। आज है दूसरा दिन हमारा राइड का और सबसे पहले जाएंगे हम भुवनेश्वर, जो कि यहाँ से है करीब करीब 163 किलोमीटर की दूरी पर। तो होपफुली पहला स्टॉप होगा हमारा भुवनेश्वर। द टाइम इज 6:15, कोशिश तो थी 5 बजे निकलने की पर सामान वामान डालते हो गया लेट। सवेरे सवेरे की हल्की हल्की ठंड के बीच हम सब निकल चुके हैं अपने दूसरे दिन की जर्नी को शुरू करते हुए और कल रात इस रास्ते से आए थे। इट्स नॉट दैट ग्रेट, बहुत सारे गड्ढे हैं, तो हाईवे के लिए हमें 13 किलोमीटर ये रास्तों पे चलना होगा एंड देन वी विल गेट कनेक्टेड टू द NH-16। अब हम सब हैं नेशनल हाईवे 16 के ऊपर और ये रास्ता है जो हमें ले करके जाएगा विजयवाड़ा तक। तो अब इस रास्ता का साथ रहेगा बहुत देर तक, वैसे तो कुछ खास है नहीं इस रास्ते में, बस प्लेन सिंगल स्ट्रेट हाईवे है। जल्दी जल्दी यहाँ सब कुछ जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टारगेट हमने रख लिया है 800 किलोमीटर का। ठंड को थोड़ा कर दिया अंडर एस्टिमेट, क्योंकि ठंड बहुत है और मैंने थर्मल वगैरह रख दिया अंदर, सोचा कि यार अब तो होगी गर्मी। सो गाइस ये है NH-16, कमाल का हाईवे है, पूरा 6 लेन हाईवे, आप आराम से 100+ क्रूज कर सकते हो इसमें। सो गाइस ये है ब्रिज जो कि महानदी नदी के ऊपर बना हुआ है। सो गाइस जस्ट हैड ब्रेकफास्ट और अब हम सब बढ़ेंगे विशाखापट्टनम की ओर। सो आलू के पराठे खा लिए दबा करके ताकि भूख ना लगे दोपहर तक, क्योंकि भाई साहब करनी है जर्नी कंप्लीट, जिसके लिए भगाना होगा गाड़ी और उसके लिए ब्रेक्स जितने कम से कम हो
उतना बेहतर। यहाँ किया हमने ब्रेकफास्ट और अब ये है रहा हमारा एनएच। सो गाइस वी हैव रीच्ड चिलिका और आप सामने देख सकते हो ये है पहाड़ और इसके बीचों बीच सॉल्ट वाटर लगून है। सो ऑलराइट गाइस, हमारी जो जर्नी थी इट वाज ऑन और हम सब क्रॉस किए थे चिलिका। चिलिका क्रॉस करते करते इट वाज क्लोज टू 2:00 इन द आफ्टरनून और हल्की हल्की भूख लग रही थी, हल्की हल्की हो गई थी थकावट। जैसे जैसे हम सब आंध्रा की ओर अप्रोच कर रहे थे व्हाट आई सॉ कि एक पर्सन, एक बंदा, ही वाज कैरिंग द इंडियन फ्लैग और ही वाज वॉकिंग। आई गॉट क्यूरियस, मैंने अपनी बाइक रोकी और उससे पूछा कि आप ये फ्लैग लेकर कहाँ जा रहे हो। सो व्हेन वी आस्क्ड हिम ही सेड कि ही इज कैरिंग दिस, वो पूरा अमरनाथ से लेकर के कन्याकुमारी तक ही वॉज कैरिंग द फ्लैग। तो हमने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे और जो उनकी फैमिली है जो सफ़र किए इस चीज़ को, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ही वॉज डूइंग दैट। भाई ये देख करके तो अंदर एनर्जी आ गई हमारी, मतलब एनर्जी बूस्टर जो होता है ना उस तरह का इसने काम किया। मतलब हमारे पास बाइक थी, हमारे पास कंफर्ट था, वी वेर राइडिंग, लेकिन एक बंदा ऑन हिज फुट ही इज़ वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम अमरनाथ एंड इज़ गोइंग टूवर्ड्स कन्याकुमारी। और जिस दिन हम उनसे मिले थे इट वॉज हिज 220th डे ऑन फुट, तो हमने सोचा कि चलो इनसे पूछ लिया जाए कि कुछ खाओगे या कुछ, आपने खाया नहीं, तो वी आर ऑफर्ड हिम लंच कि आप चलो हमारे साथ लंच कर लो। तो उसने कहा कि नहीं, दिन में बस एक बार ही यूज़ टू हैव फूड, देन वी ऑफर्ड हिम टी कि चलो एटलीस्ट आप चाय तो पी लो हमारे साथ, सो ही एग्रीड टू दैट। तो एक लोकल बंदा मिला था हु वॉज ऑल्सो राइडिंग, सो वी आस्क्ड हिम कि कैन यू कैरी हिम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लगेज था। सो इवेंट आई आस्क कि आप बैठो, आप चलो हमारे साथ, तो देन ही रिफ्यूज, उन्होंने कहा नहीं पैदल चलना है तो पैदल चलना है। तो यार ये देख करके एनर्जी आ गई और भाई मतलब क्या कहा जाए। सो गाइज अ बिग सैल्यूट टू दिस गाय, इज कैरिंग अ इंडियन फ्लैग ऑल द वे फ्रॉम अमरनाथ एंड इज गोइंग टू क्या वन, बैठ के नहीं जाएंगे, बैठ के नहीं जाएंगे, आसपास में है क्या कुछ? तो ऑलरेडी ये वीडियो हो चुका है बहुत ही लंबा, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करते नहीं हैं, आज के वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही एंड। तो जो रिमेनिंग पार्ट है आई विल पुट इट इन अ सेपरेट पार्ट। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो गिव इट अ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर, यार एक माइलस्टोन होता है वो पूरा करने में मदद करें। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।